आज हम बनाएंगे पेठे के लड्डू। इसके लिए मैंने लिया है पेठा और नारियल का बुरादा। मैंने यहाँ पर लिया है 250 ग्राम आगरे का पेठा। इसको हम ग्रेटर से पहले ग्रेट कर लेंगे। इस तरीके से इसको क्रश करना है। हम सारा पेठा ऐसे ही क्रश कर लेंगे। हमने सारा पेठा क्रश कर लिया है, देखिए। अब हम इसमें 1 कप खोपरे का बुरादा डालेंगे। इसमें हम खोपरे का बुरादा थोड़ा थोड़ा करते हुए ऐड करेंगे। मैंने आधा अभी डाला है। इसको पहले हम मिक्स कर लेंगे इस तरीके से। अच्छे से हाथ से मिक्स कर लेना है इसको। अब हम बाकी का आधा भी इसमें डाल देंगे। इसको भी अच्छी तरीके से मिक्स कर लेते हैं। इस तरीके से थोड़ा थोड़ा करते हुए डालना है। ये अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम इसमें से थोड़ा सा मिक्सचर लेके इस तरीके से लड्डू का शेप देंगे। ये बहुत आसानी से बन जाता है, देखिए। अच्छे से बैठ गया है। अब हम क्या करेंगे, मैंने यहाँ पर खोपरे का बूरा लिया है। अब हमने जो ये लड्डू बनाया है इसको इसमें रोल करेंगे और एक कोटिंग बना देंगे इसके ऊपर। हमारा लड्डू तैयार है, देखिए। अब हम सारे लड्डू इसी तरीके से बनाएंगे। अब हम फिर से थोड़ा सा मिक्सचर लेंगे और इसको हाथ से लड्डू का शेप देंगे ऐसे। इसको बनाना बहुत आसान है और इसको बनाने में ज़्यादा समय भी नहीं लगता और इसमें इंग्रेडिएंट्स भी बहुत कम लगते हैं। इसी तरीके से हम बाकी के लड्डू भी बना लेंगे। हमारे सारे लड्डू तैयार हैं।